होंगे, घर वाले भी अच्छे होंगे, हतमात अदल खान, माँ बाप बढ़िया है। आई एम ऑल्सो गुड, गोइंग गुड, चल रहा है बस जीवन, चलने का नाम, चलते रोज सुबह शाम चल ही रहा है सब कुछ। चलो भाई, तो कक्षा कक्ष कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों पे बेस्ड हमारे मेनली क्वेश्चन है। अगर आप हमारे साथ में आ गए हैं, एक भी बालक है तो भी हमारी क्लास तो चलनी ही चलनी है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा गंगा और झेलम। वेरी गुड अरिका, वेरी गुड, राइट आंसर, यू गिव द राइट आंसर। तो तुम्हारी जो वैन गंगा और पैन गंगा है वो तुम्हारी सहायक नदियां हैं। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में स्थित है। और साथ साथ में इसके आंसर के साथ में मुझे ये बताना कि उद्गम और मुहाना होता क्या है। ठीक है, ईश्वर, तो राइट आंसर तुमने दिया है नर्मदा, बट नर्मदा इज नॉट करेक्ट आंसर। द राइट आंसर वुड बी आपकी गोदावरी। गोदावरी ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों आपके भारत में ही है, और वो आपकी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों ही भारत में है। तो उद्गम जहां से निकलती है और मुहाना, तब तक मैं एक बार ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ, क्लास स्टार्ट है, देखो जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, है ना। चलो मुहाना बताओ, मुहाना। अब मुहाना मत बोल करना कि मैडम जी, जब किसी को कोई प्यार करता है तो कहते हैं हम तुमको बहुत मुहाते हैं जी। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग जब कहते हैं कि हम तुमको बहुत मुहाते हैं? चलो चलो मुहाना बताओ, मुहाना किसे बोलते हैं पता है तुम्हें? अभी बेटी, मुहाना मतलब होता है जहां पे जाकर नदियां आप ही गिरती हैं। फिर आपने कैसे राइट आंसर दे लिया मुझे बताओ, फिर आपने राइट आंसर कैसे दे लिया आप मुझे बताओ। तो उद्गम का मतलब होता है कि जहां से आपकी नदी निकलती है वो आपका उद्गम स्थान होता है, और जहां पे जाकर के नदी आपकी गिरती है वो उस पर्टिकुलर नदी का मुहाना होता है। और गोदावरी आपकी ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही आपका भारत में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तिरुचि, मैसूर, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। जो आपकी कावेरी नदी है उसका तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है वहां से आपकी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अनु हमारे साथ आ गई है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर? ये वाला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन। गुड इवनिंग बच्चा। कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, जल पाक डमरू मध्य में, या फिर खंभात की खाड़ी में? गुड, अभी गुड, वेरी गुड। अनु मेरे बच्चा, जो आपकी कावेरी नदी है, कावेरी नदी जो आपकी गिरती है वो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। वे ऑफ बंगाल वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वे ऑफ बंगाल। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मानसी भी आ गई है, वेलकम मानसी बच्चे। मैम 5 बजे से क्लास रखी, ठीक है, हम 5 बजे से क्लास रख दिया करेंगे, नो इश्यूज। एक 12:30 बजे रख देंगे, एक 5 बजे रख देंगे, और एक आज रात में 10 बजे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने क्लास स्केड्यूल नहीं करी है, तो एक रात की 10 बजे की लगा दूंगी। चली गई थी आज, कुछ काम था कारपेंटर के लिए। भाई जो दीवान है ना, दीवान के पीछे का मुझे हुड बनवाना है, क्योंकि मेरी बैक में इतना पेन है और काम मुझे करना होता है 24 घंटे बैठ करके। वहां पे दिक्कत होती है पीठ के किनारे 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 करने, और ठंडा आ रही है तो उसमें हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए क्लास मैंने 6 बजे की लगाई थी,
विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? सीडीपी का चक्कर बाबू भैया, नहीं सीडीपी अगर इम्पोर्टेंट है तो सीडीपी कर लो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी, मिसौरी द्वारा, यांगसी, कियांग द्वारा या हांगकांग द्वारा? किसके द्वारा आपका विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है? मिसिसिपी और मिसौरी द्वारा आंसर आया है, बट आई थिंक जहां तक का आपका राइट आंसर जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दैट वुड बी द लार्जेस्ट डेल्टा, वो आपका सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जो आपका सुंदरवन का डेल्टा है, तो ये वाला आंसर आपका राइट जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र वाला। अविका चली गई क्या? पश्चिम से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी या राप्ती, इन तीनों नदियों में से कौन सी नदी है जो आपकी पश्चिम की ओर बहती है? पहली एवं दूसरी, आपकी दूसरी या तीसरी, पहली व तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, तीनों। गवर्नमेंट आंसर हमेशा सही नहीं होते हैं बेटा अनु, हमेशा गवर्नमेंट ऑप्शन सही नहीं होते हैं। अविका चली गई ऐसा मुझे लग रहा है, अविका हैज गॉन, अविका हो कि गई? तो राइट आंसर आपका जाएगा बेटा पहला और दूसरा, जो आपकी नर्मदा और तापी नदी है, ये आपकी पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, प्रवाहित, प्रभावित बोल देती हूँ मैं, प्रभावित और प्रवाहित में अंतर है, प्रवाहित मतलब बहना और प्रभावित मतलब टू गेट इम्प्रेस विद समवन। मानस नदी किसकी उपनदी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? किसी बालक ने आंसर दिया है महानदी, बट महानदी इज नॉट करेक्ट, महानदी इज नॉट करेक्ट बच्चे। किसी ने आंसर दिया है गोदावरी, गोदावरी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। These are the not correct answer. The correct answer is आपकी जो मानस नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा would be the right answer. ब्रह्मपुत्रा कौन सी नदी भ्रंश धोड़ी से होकर के बहती है, नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी? किसी एक बच्चे ने आंसर दिया है नर्मदा, किसी एक ने आंसर दिया है सोन और किसी ने आंसर दिया है गोदावरी, बट आप दोनों ने ही राइट आंसर नहीं दिया है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जो नदी आपकी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है वो है तुम्हारी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी वुड बी द राइट आंसर। ओके वी विल मीट एट 10 o'clock। सोन और नर्मदा निकलती है कहाँ से, पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से, कहाँ से निकलती है आपकी सोन और नर्मदा नदी? मानसी बच्चे, तू और मैं, एक तू और एक मैं, मानू बेटा आंसर दे दो मेरे बच्चे। तो मानसी ने आंसर दिया है अरावली, बट मेरे बच्चे जो आपकी नर्मदा है, नर्मदा और सोन का जो उद्गम स्थल है वो तुम्हारी अमरकंटक की पहाड़ियां है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, अमरकंटक की पहाड़ियां। ठीक है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका है मैम, और बच्चों को भी बुला लाओ। मैं कहां से बुला लो बेटा, मैंने तो ग्रुप में डाल दिया है कि क्लास स्टार्ट है, आ जाओ। अब मुझे लग रहा है 6:10 बहुत सारी क्लास होती है, तो दैट्स व्हाई दे आर बिजी इन दैट। आपको भी जाना है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो बालिका? मैंने तो ग्रुप में मैसेज डाल ही दिया था, देखो जिसको आना होगा वो बीच में भी लेट होती बालक है, अभी देखेंगे नोटिफिकेशन देखेंगे तब आएंगे। आप मुझे बताओ आपको भी कहीं जाना है मानसी? बिच्छी मेरे मानसी बच्चा, जाना है कहीं? मानसी बोली नहीं रही है।
मैम 10 बजे कौन सी क्लास होगी? नॉट येट डिसाइडेड, डिसाइडेड नहीं है अभी 10 बजे कौन सी क्लास होगी। देखो कौन सी कराती हूँ अभी, जीएस जीके जो भी, या ईवीएस की प्रश्न लूंगी। आपको जाना है कहीं अभी? डू यू वॉन्ट टू गो एनी वेयर? तुम्हें जाना है? अच्छा नहीं जाना है, अगर जाना होता तो मैं थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देती, अगर नहीं जाना तो क्विज करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भैया, निम्न घाटियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी? सबसे ज्यादा रास्ता कौन सी नदी चेंज करती है? तो मानसी तुमने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। द राइट आंसर इज कोसी नदी। और कोसी नदी को क्या बोलते हैं? कोसी नदी के बारे में और क्या पता है बेटा? कोसी नदी के विषय में और क्या पता है आपको? कोसी नदी जो आपकी है उसका उद्गम स्थान जो है वो है आपका नेपाल, और बिहार के रास्ते से वो आपकी होकर के भारत में आती है, और बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि जहां से आती है बहुत ज्यादा पथ बदलती है, और बहुत पथ बदलने के कारण ये आपके बिहार का शोक कहलाती है, ठीक है। ये इसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी आपके बिहार का शोक कहलाती है। तो कोसी नदी आपके बिहार का शोक कहलाती है। जो नेक्स्ट पर आते हैं, हिमालय को काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो बेटा हिमालय को काट कर एवं बह करके आने वाली नदियां तुम्हारी हैं सतलज, सिंधु और सॉरी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इसका राइट आंसर जाएगा। बेटा अविका आ गई क्या? अविका या अनु कौन वापस आ गया? ये तीनों नदियां जो आपकी हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये तीनों आपकी तिब्बत से निकलती हैं, मानसरोवर झील से आपकी, और ये तीनों आपकी हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो हंस घाटी से होकर के बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर महानदी? गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़ी। किसी ने आंसर दिया है गोदावरी, बट गोदावरी इज नॉट राइट आंसर। गोदावरी इज नॉट राइट आंसर। अविका जी, मैम मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो बस वो बुला रही हैं। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? तो राइट आंसर इसका जाएगा बेटा, जो नदी आपकी बृहंस घाटी से होकर के बहती है वो है नर्मदा। मम्मी मतलब सास, मम्मी जी बोला करो, मम्मी जी की तबीयत नहीं सही तो मम्मी जी बुला रही थी तुमको। नर्मदा वुड बी द राइट आंसर। चलो भैया सास का ख्याल रखो, बहू का परम कर्तव्य है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत आपके देखो जैसे ये भारत है, तो भारत का ये वाला जो नीचे का हिस्सा है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो तीन तरफ आपके पानी से घिरा होता है जिसको हम पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। और पूछ रहा है कि इस पार्ट की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी?